गुड मॉर्निंग। आज टूर का आज है सेकेंड डे। सब लोग चाय पीने के लिए जस्ट रुके हैं। इसके बाद में सीधा गया। जिस बस में ट्रेवल कर रही हूँ ना, खड़ी वो ब्लू कलर की बस, ये हमारी बस है जिसमें सभी लोग आए हैं। इसमें ना बहुत सारे अपने लोग हैं, नाना नानी लोग आए हुए हैं, मामा लोग आए हैं, तो बहुत मज़ा तो बहुत आ रहा है। आज का खाना बन रहा है यहाँ ओपन एरिया में, 15 लौकी की सब्ज़ी और मासी खड़ी है चमचे में लेकर के। टेस्ट कर लो भाई। सब बैठे हुए हैं आधे यात्री, वो टीले पे बैठे हुए और कुछ ग्यारस वाले यहाँ खाना खा रहे हैं। भयंकर ही गर्मी हो रखी है यार यहाँ पे। मतलब बिहार में एंटर किया सुबह तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि हाय हाय कितनी ठंडी कितनी ठंडी, बट अभी भयानक वाली गर्मी हो रखी है। दोपहर में तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से इतनी गर्मी कैसे आ रही है। इतनी गर्मी में भी सब लोग खाना बना रहे, सोचो। अभी हम लोग हैं बुद्ध गया में, जहाँ पे बुद्ध जी के काफी सारे मंदिर हैं। गया में आके सबसे पहले हमने दर्शन करे हैं 80 फीट की बुद्ध प्रतिमा, आपको भी दिखाती हूँ। वो हुंडी है जिसमें सब लोग पैसे डालते हैं। मैंने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बुद्ध प्रतिमा कभी नहीं देखी है। इसका नाम है डाइजोकियो बुद्धिस्ट टेम्पल। इस मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पैर दुख गए मेरे, पता नहीं मैं गया जाके क्या करूँगी। चढ़ तो आई थी मैं खुशी खुशी में, बट अब नीचे भी उतरना पड़ रहा है मेरे को। असम से मैंने बिना देखे पैर रखा लुढ़क तो वह नीचे जाऊँगा मैं। पुनः समझ में आ गया है कि बुद्ध गया को बुद्ध गया क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे है ना बुद्ध जी के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो भी डिफरेंट 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 टाइप के। और मंदिर में तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी करी है, दिखाती हूँ। यहाँ पे भी गोल्ड वर्क का ही बुद्ध जी की प्रतिमा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे पर्सनली यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं छोटे छोटे वर्क के मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी हटके बनी हुई है, देखो। अभी हम लोग हैं बुद्ध राम जी टेम्पल में। मुझे ये वाला मंदिर बहुत पसंद आया, बुद्ध राम जी का मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लौता ऐसा फर्स्ट मंदिर है जिसका नाम पढ़ना है, मुझे सब याद आ गया, मेरा पूरे खानदान वालों का नाम याद आ गया मेरे को। पहला मंदिर है जहाँ पे मैंने देखी जोत जलती हुई। ये जो राउंड एंड राउंड घूम रहा है इसका मेरे को अर्थ बताया गया है, ये एक धर्म चक्र है। यह श्री वज्र स्वस्थ तथा मुनियों के मंत्रों से परिपूर्ण है, इसमें करोड़ों मंत्र हैं। इसे एक या दो बार ही घुमाएं या प्राणियों के हितों के लिए तथा दुखों कष्ट एवं पापों को दूर करता है। इसका वजन 200 क्विंटल से अधिक है। इसे दाएं से बाएं ही घुमाया जाता है। इसे घुमाने में पसीने आ जा रहे हैं। तो मूवीज में हर जगह पे चीज देखी थी बट मीनिंग कभी पता नहीं था। जिस चीज़ का मीनिंग मुझे आज फाइनली पता चल गया है, उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफली डीपली तरीके से बताया। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है, सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट बाकी ऑल टोटल सेम है। सभी जगह पे बुद्ध जी की मूर्ति काफ़ी सुंदर सुंदर बनाई गई है, मैंने कभी नहीं देखी थी, मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। अगर मैं नहीं आती तो बहुत चीज़ें भी कर जाती मैं आज। हमारा लास्ट टेम्पल था दर्शन करना, इसी के साथ में बोध गया के सभी मंदिर दर्शन हो चुके हैं। अब सब लोग आ जाए तो हम लोग जाएंगे वापस बस की तरफ।